जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत के मंदिर। भारत के जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं, वह यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी यहाँ पर आपके लिए लाया है फ्री प्लान, जिसमें आपको यहाँ पर एमपी के टॉप एजुकेटर हैं, जिस टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपको पढ़ने का सुनहरा मौका है। इसी के साथ आपको यहाँ पर 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लास हैं, डाउट्स क्लियर आपका सेशन होता है, और यहाँ पर 20,000 प्लस आपके यहाँ पर क्वेश्चन हैं, जिस मॉक टेस्ट हैं और जिसका एनालिसिस बताया जाता है। और भी आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी फायदे हैं अनअकैडमी। यहाँ पर अगर आप फ्री प्लान एक्सेस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और इसमें सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है। सुमित जैन रेफरल कोड याद रखें। और एक और जरूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए प्लस बैच, जिसमें आपके ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपनी मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। इसमें से कुछ बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ जो बैच हैं वह जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आपको बहुत मदद करने वाली हैं। और अगर आप चाहते हैं प्री प्रिपरेशन का रामबाण, तो अनअकैडमी लेकर आया है यहाँ पर अनलिमिटेड आपके लिए 60 दिन का ए बैच कोर्स है। ये स्टार्ट हो रहा है आपका 4 जनवरी को। इसमें आपको पूरा प्री कोर्स रिवीजन होगा डेली दिन में और मिलेगी डेडिकेटेड लाइव एमसीक्यू सेशन डेली शाम को। इसमें इनरोल करने के लिए आप बिल्कुल भी देरी मत करें। और यहाँ पर आपको क्या है, अगर आप अपनी स्पीड में रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर प्री के लिए यहाँ तो आपके लिए यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान रिवीजन जो स्टार्ट हो रहा है आपका हो गया है 28 दिसंबर से। यहाँ आपको 270 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड सेशन मिलेंगे और अपना रिवीजन पूरा करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डाउट क्लियर सेशन में जाकर इसका जो है डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि नई दिल्ली आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर दो है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर बताना है आपके लिए। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं। केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, उत्तराखंड आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्या है, सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पर स्थित है? सिद्धि विनायक मंदिर बताना है। तो सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पर स्थित है यह आपके लिए बताना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है क्या है, राइट आंसर विकल्प नंबर डी, यानी कि मुंबई आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री मंदिर कहाँ पर स्थित है? गंगोत्री मंदिर बताना है कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर चार, और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंगोत्री मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर बताना है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है यह है आपका कहाँ पर, वाराणसी में। वाराणसी विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है ए, सांची के स्तूप बताना है कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर छः का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची के स्तूप स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रामेश्वरम तीर्थ कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर सात, रामेश्वरम तीर्थ कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सात का सही आंसर है यहाँ पर क्या है, राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रेम मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8, वृंदावन मथुरा, वाराणसी आगरा लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, वृंदावन मथुरा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताना है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि कोणार्क। कोणार्क आपका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है क्या है? विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, तंजौर तमिलनाडु आपका सही आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? हजारा राम मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का राइट आंसर यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, हम्पी कर्नाटक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, हम्पी कर्नाटक राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्या है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि पट्टकल कर्नाटक आपका सही आंसर है, कर्नाटक के पट्टकल में है विरूपाक्ष मंदिर। अगला क्वेश्चन है क्या है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर, नाडा साहिब या पटियाला या होशियारपुर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि अमृतसर, अमृतसर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर है और बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है और पुरी उड़ीसा आपका सही आंसर है, जगन्नाथ मंदिर है पुरी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कैलाश मंदिर बताना है क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि एलोरा महाराष्ट्र आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाबलेश्वर मंदिर बताना है। क्वेश्चन नंबर है 16 और 16 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर बताना है क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का राइट आंसर है क्या है? राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि जूनागढ़ गुजरात आपका यहाँ पर सही आंसर है, जूनागढ़ गुजरात राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुपति मंदिर बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो आपका सही आंसर है क्या है? विकल्प नंबर 1 यानी कि चित्तूर आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर बी, माउंट आबू राजस्थान, राजस्थान में है दिलवाड़ा मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20, कामाख्या मंदिर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि गुवाहाटी असम आपका सही आंसर है, गुवाहाटी जो असम है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 उत्तराखंड, उत्तराखंड आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1, जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर देख लें, यमुनोत्तरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है, यमुनोत्तरी है कहाँ पर है? यह है उत्तराखंड में, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमरनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमरनाथ मंदिर बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताना है। तो 23 का राइट आंसर जम्मू और कश्मीर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि जम्मू और कश्मीर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राजरानी मंदिर कहाँ स्थित है? राजरानी मंदिर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? राजरानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर एक, भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा आपका सही आंसर है। उड़ीसा की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है, तो यहीं पर कौन सा मंदिर है? राजरानी मंदिर है। अगला क्वेश्चन है बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 और 25 का राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, वृंदावन उत्तर प्रदेश आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर है अपने यहाँ पर 26, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई तमिलनाडु या महाबलीपुरम तमिलनाडु, पुरी उड़ीसा, चेन्नई तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 26 और 26 का सही आंसर है मदुरई तमिलनाडु आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्या है, इरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इरावतेश्वर क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताना है। इरावतेश्वर मंदिर है कहाँ पर है? आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, दारासुरम तमिलनाडु आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 का राइट आंसर होगा महाबलीपुरम तमिलनाडु आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चार विकल्प हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 29 और 29 का सही आंसर विकल्प नंबर एक, केरल आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही, केरल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है आज का आपका चैलेंज प्रश्न है, इसका आंसर आपके लिए सभी लोगों के लिए कमेंट में बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्या है चैलेंज प्रश्न, माता वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? माता वैष्णो देवी का मंदिर बताना है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में। चार विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं, आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है। आज अगर आप ऑलरेडी पहले से रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए संकल्प बैच स्टार्ट हो गया है आपका 28 दिसंबर से। यहाँ भी आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन होता है, जिसमें आपके लिए 2 घंटे आपका जो है डाउट क्लियर सेशन होता है, और 28 दिसंबर से यह बैच आपका शुरू हो गया है। अगर आप MPPSC की तैयारी शुरू कर रहे हैं एंड डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मेगा फाउंडेशन बैच कोर्स जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से। इसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस है और MP के टॉप एजुकेटर हैं, फ्री PDF है, नोट्स हैं, वीकली मेगा क्विज भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो अगर यहाँ पर एक बैच कोर्स की और बात करें स्वप्न पूर्ति, इसमें आपको जो है 35 दिन का आपका बैच कोर्स है, जिसमें आपकी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आंसर राइटिंग के साथ आपकी 35 दिनों में इसकी जो है तैयारी करवाई जाएगी। तो यह बैच कोर्स भी आपका शुरू हो रहा है स्वप्न पूर्ति अकेडमी में। आपको अपने घर में बैठे MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, और एजुकेटर जैसे शुभम जी हैं, यहाँ पर शुभम गुप्ता जी हैं, अभिषेक जी हैं, अमित जी हैं, MP के एक जो है टॉप एजुकेटर हैं। आइए तो अब जान लेते हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं। बस आपके लिए प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इसमें आपको MPPSC सिलेक्ट करना है, फिर आपके लिए जो है प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर आप जो है इस पर जाकर आपको आप यहां से अपनी मन पसंद की जो बैच है वह आप यहां पर चयन कर लें, फिर आपके लिए गेट सब्सक्रिप्शन पर यहां पर क्लिक करना है। इसमें आपके लिए आप देख सकते हैं यहां पर ये आपकी जो है कोर्स की प्राइस है, इस प्रकार आपके जो है कोर्स 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का। इसमें आपके लिए सुमित जैन रेफरल कोड अगर आप करते यूज करते हैं सुमित जैन रेफरल कोड, तो आपके लिए यहां पर 10% ऑफ में कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी पर पढ़ना शुरू करें। तो फिर देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और MPPSC व्यापम से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप के साथ।
आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहां तक पहुंचे। वीडियो आपके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपके लिए PDF और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।